जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 209 केंद्रों पर 27,441 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 11,954 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 15,487 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ, मेडिकल कॉलेज, एम्स, सीएससी, पीएससी सहित 209 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया गया है। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि कोविड टीका एक्सप्रेस के माध्यम से गाँव में टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। सीएमओ ने लोगों से अपील किया है कि प्रथम डोज लेने के बाद जिनका समय पूरा हो गया है वे सेकेंड डोज अवश्य लगवा लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जनपद में 209 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है, जिसमें से हमारे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स, हमारे जिला अस्पताल, महिला पुरुष, हमारी सभी अर्बन पीएससी, हमारी सभी रूरल पीएससी, सीएससी से लेकर के सब सेंटरों तक वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी तक हम 88,000 से ज़्यादा का वैक्सीनेशन करा चुके हैं, टोटल डोज दे चुके हैं। उसमें से 22,96,000 पहला डोज और 7,92,000 का दूसरा डोज दिया जा चुका है। हमारी 36 लाख की पॉपुलेशन है जो हमारे टारगेट दिया गया है, तो अभी भी हमारे पास 10 लाख के करीब लोग हैं, 9 लाख करीब लोग हैं जो कि टीकाकरण से भी वंचित हैं, जिनको हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पर आकर के जल्दी से टीकाकरण लगाना चाहिए, जैसे कि हम कोरोना से की महामारी से हम जिले को मुक्ति दिला सकें। सर, जनता से क्या कहें? जनता से हमारी अपील है कि कोविड वैक्सीनेशन फ्री में हो रहा है, बिल्कुल मुफ्त हो रहा है, गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह हो रहा है। ज़्यादातर हम रूरल एरिया में भी सेंटर लगा रहे हैं। हमारी वैन जा रही है, जो टीका वैन है वो गांव-गांव में जा रही है, तो जहां भी लोगों को मौका मिले सभी लोग अपना अपना टीका लगा लें, जिससे कि कोरोना की जो महामारी है उसको हम दूर कर सकें और अपने को, अपने परिवार को, अपने ज़िले को, अपने प्रदेश को कोरोना से मुक्ति दिला सकें।